hello dear students how are you today i hope you all are fine and fit at home so today we have learned about english grammar okay so open your book at page number 26 first of all c dot w okay c dot w and today's डेट एंड डे ओके तो बच्चों आपको ये रीड करना है बार बार जैसे कि राइमिंग वर्ड से ये कूल पूल टूल स्कूल कुप हुप लुप मून नून सून कार्टून ओके एंड आपको ये जो फील इन द मिसिंग लेटर है इसे क्या करना है फिल करना है क्या करना है फील करना है ओके okay? सो so, यहाँ पे आप जो यूनिट थ्री है वो अच्छे से पढ़िएगा और ये जो मिसिंग लेटर है वो आप फिल कीजिए ओके okay? और लर्न भी कीजिए ओके सो नाउ स्टार्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड वट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड यस जो नाउन और प्रोनाउन प्रोनाउन्स मीन्स ही शी इट ये जो रहते हैं ना, इनके बारे में जो ज़्यादा जानकारी देते हैं या उसे स्पेशल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड आ, नाउन अब वो नाउन किसी का भी रह सकता है है ना लास्ट पीरियड में हमने देखा है कि पीपल एनिमल प्लेस थिंग्स फ्रूट ये सब क्या है नाउन है ओके okay. uh, ये नाउन के ही प्रकार हैं मतलब वो फ्रूट का भी नाम रहता है पीपल का भी नाम रहता है एनिमल का भी नाम रहता है प्लेस का भी नाम रहता है है ना और इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है या वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ओके उसको एडजेक्टिव भी कहा जाता है सो so, अब हम फील करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उसे रीड करेंगे ये इस बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसे हम अच्छे से रीड करेंगे ओके फर्स्ट लॉन्ग हैप्पी कर्ली राउंड टॉल थिन, प्रिटी ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन दे देर आर सेवन वर्ड्स सो आपको समझ में आया डिस्क्राइबिंग वट इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है या आ, थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड ओके समझ में आया जिसे अब हम फर्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे सैम इज यस सैम इज सैम कैसा था यस है ना टॉल और जिस वर्ड को हम फील करेंगे सैम तो है मतलब सैम है पर वो कैसा है टॉल है है ना एंड थीन Sam is tall. Sam is tall and thin. अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि सैम है है ना एक बॉय है पर वो बॉय कैसा है टॉल और thin है ना ऊंचा है और पतला है ऊंचा है और पतला है, है ना तो ये क्या हो गया टॉल और थीन डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो गया कि श्याम है श्याम है पर वो कैसा है टॉल और थीन कैसा है टॉल और थीन ओके नंबर टू रिया हैज़ यस रिया हैज़ हाँ तो रिया के हेयर है है ना रिया के हेयर है पर वो कैसे है कर्ली है कि लॉन्ग है Yes, Rhea has long hair. Okay, रिया has long hair. So, long. तो so long ये क्या हो गया A Describing word है ना क्योंकि उसके hair है सभी को hair रहते हैं पर वो hair कैसे उसके long है या curly है ये ये क्या बताता है उसके बालों के बारे में या रिया के बारे में Uh, ज़्यादा की जानकारी है है ना तो इसे ही हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं यस जगजीत इज यस जगजीत इज या ही इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड सो वी कैन से जगजीत इज हैप्पी है ना जगजीत इज हैप्पी बॉय सो हैप्पी जगजीत है पर वो कैसा है सैड है कि हैप्पी है यस yes, हैप्पी है है ना जगजीत इज हैप्पी। तो हैप्पी ये क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना डिस्क्राइबिंग वर्ड हैप्पी या अगर इसके जगह सैड भी रहता तो भी वहां क्या होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब एक नाउन के नाउन को मतलब स्पेशल बनाता है मतलब उसके बारे में स्पेशल कुछ जानकारी मिलती है तो उसे क्या कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाता है उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं ओके द लेडी द लेडी इज यस है ना लॉन्ग हो गया हैवी हो गया टॉल भी हो गया थीन भी हो गया ओके सो फोर द लेडी इज यस कर ले आएगा या राउंड यस प्री है ना पी आर ई टी टी वाई प्री ओके द लेडी इज प्रीटी अब वो लेडी है पर वह लेडी कैसी है यस प्रिटी सुंदर है ना वो तो है लेडी है वुमन है बॉय है पर वह कैसा है हाउ इज है ना वो कैसा है अगर आप कोई भी सेंटेंस को हाउ करके पूछेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है अब लेडी है पर वह कैसी है हाउ इज प्रीटी है ना तो प्रीटी ये क्या हो गया स्पेशल वर्ड है ना डिस्क्राइबिंग वर्ड ओके ये प्रीटी क्या हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी उसका उस लेडी का हमने क्या किया है डिस्क्राइबिंग किया है ओके okay. डिस्क्राइब किया है उसको उसका वर्णन किया है सो अमीर हैज अमीर हैज़ यस अमीर के बाल कैसे थे कैसे थे कैसे थे हेयर है ना अमीर हैज़ कर्ली हेयर सी यू आर एल वाई अमीर हैज़ कर्ली हेयर ओके जैसे रिया के बाल लॉन्ग थे अमीर के बाल कैसे हैं करली है है ना अमीर के हेयर कैसे हैं करली है यानी ये सब वर्ड क्या कहते हैं उनके बारे में डिस्क्राइबिंग करते हैं so, सो ये डिस्क्राइब वर्ड है ओके द बॉल इज यस बॉल कैसा रहता है यस राउंड राउंड है ना द बॉल इज राउंड द बॉल इज राउंड ओके तो हम और भी कुछ सेंटेंस दिखें देखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड के सो so, अभी के लिए बस इतना तो इसे आप केयरफुली रीड कीजिए कि क्यों इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा गया है इसे बार बार आप रीड कीजिए और केयरफुली ओके सो और ये जो है टुडेज योर होमवर्क हाँ ये आपको बुक में ही लिखना है कॉपी पर नहीं ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है कॉपी पर नहीं और ये आ, जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड यो सेंटेंस है uh, आप बॉक्स लिखेंगे बॉक्स में जो वर्ड है वो लिखेंगे एंड और ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे यू हैव राइट टू बुक एंड योर इन इंग्लिश कॉपी ओके Okay. Okay. Thank you. Bye bye, dear.